शहनाज परवीन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ताइक्वांडो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली लद्दाखी महिला बनी। कारगिल लद्दाख के चचेसना संकु गांव की रहने वाली शहनाज परवीन राष्ट्रीय ताइक्वांडो मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने वाली लद्दाख की पहली महिला एथलीट बनी है। उन्होंने पंजाब में आयोजित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में ग्रुप पूम से अंडर 30 में स्वर्ण पदक जीता है। शहनाज ने खेलों में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें पूरे भारत के 146 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल के अध्यक्ष फिरोज अहमद खान ने शहनाज परवीन को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। आगे उन्होंने कहा कि कारगिल ने ताइक्वांडो में कई टॉप एथलीट दिए हैं, जिन्होंने न केवल राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी छाप छोड़ी है। शहनाज परवीन भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेलों का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन को भी बधाई दी और सभी खेल विभागों से लद्दाख को देश में एक खेल केंद्र बनने के लिए साझा मंच पर आने का आग्रह किया। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर शहनाज को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। सदफ आफरीन नाम के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा गया, नेशनल मीट में ताइक्वांडो गोल्ड जीतने वाली पहली लद्दाखी महिला बनी शहनाज परवीन, शहनाज को ढेरों बधाई। तो एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं, सर देश का नाम रोशन कर रही हैं, ग्रेट वेल डन। तो आसिफ नाम के एक यूजर ने लिखा, शहनाज परवीन जो कारगिल लद्दाख में दूर दराज के गांव चचेसना सांकू की रहने वाली हैं, स्वर्ण पदक जीतने वाली लद्दाख की पहली महिला एथलीट बन गई हैं। तो विदेश राठौड़ नाम के यूजर ने लिखा, लद्दाखी महिला नहीं भारत की बेटी है वो, अच्छा है 370 हटने और यूटी बनने का कुछ तो फायदा हुआ, देश की बेटी शहनाज परवीन को सलाम। शहनाज परवीन ने अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने कोच अतुल पंगोत्रा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे ताइक्वांडो के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ कोच हैं, जो खिलाड़ियों को मजबूत बनाने पर काम करते हैं। उन्होंने लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन, अपने माता पिता और कारगिल के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है, जो उनके लिए प्रेरणा से सोत्र बने हुए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें।